मामा टीवी। नरसिंहपुर नाम के गांव में विशाल नाम का एक बौना आदमी रहता था। उसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन वह कद में बिल्कुल छोटा था, एक लिलीपुट की तरह। उसके पास छोटे बच्चों का एक खिलौना बाइक था। वह जब भी देखो उसी पे गांव में घूमता था। सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। देखो देखो रे, गांव का हीरो आ गया, लिलीपुट हीरो। हा हा हा। क्यों बेटा विशाल, लॉलीपॉप चाहिए क्या? नाम तो विशाल है, लेकिन है मेरा टांग जितना। हा 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 हा। सबकी बात सुनकर विशाल बहुत उदास हो जाता है। उसे इसी वजह से कुछ काम भी नहीं मिलता था। जिधर भी जाए उसे बाहर निकाल दिया जाता था। तभी उसने एक सेठ के पास गया। सर, मुझे कुछ काम है तो दिला दो सर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्या रे विशाल, काम करेगा क्या? मेरे सिर पर चढ़कर काम करेगा? चल चल यहाँ से, एक फुट लंबा नहीं है लेकिन काम चाहिए। एक दिन वह उसके बाइक पे जंगल के तरफ जा रहा था। तभी उसने एक छोटा सा बौना पौधा देखा। वह दिखने में बड़ी पेड़ जैसी थी, लेकिन कद में बिल्कुल छोटी थी। अरे, ये पौधा तो मेरे जैसा है, दिखने में बड़ी पेड़ जैसी है लेकिन कद में बहुत छोटी है। मैं इसे थोड़ा पानी डाल के देखता हूँ। तुरंत विशाल ने बगल के नदी से पानी लाकर उसे डाला। देखते ही देखते वह पौधा एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ में बदल जाता है। उस पेड़ से एक आवाज आती है। धन्यवाद विशाल, मैं एक मुनि की श्राप से ऐसा छोटा हो गया हूँ। मुनि बोला कि तुम्हारे जैसा एक बौना आदमी आकर पानी डालेगा तो मैं अपना असली रूप में आ जाऊंगा। तुमने आज मेरा श्राप तोड़ दिया है, उसके बदले मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी में बदल देता हूँ। ऐसा बोलते ही विशाल एक बड़े आदमी की तरह और उसके बाइक जाइंट बाइक की तरह बदल जाता है। जब विशाल उसके बाइक पे गांव में गया, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सारे जाइंट विशाल को देखकर नमस्कार करने लगे। अगले ही दिन उसी गांव में एक ट्रेन नदी के ऊपर ब्रिज पे चलते चलते नीचे गिर जाती है, क्योंकि ब्रिज और उसके ऊपर के ट्रेन का ट्रैक टूट जाता है। तभी एक आदमी आकर विशाल से बोला, विशाल भाई, विशाल भाई, तुम्हें जल्दी नदी के ऊपर ब्रिज के यहाँ पहुँचना है, वहाँ पर एक ट्रेन लटक रही है, जल्दी बचाओ बचाओ। तुरंत विशाल उसका जाइंट बाइक को लेकर ब्रिज के पास पहुँचता है और देखता है कि ट्रेन का इंजन ब्रिज से लटक रहा होता है। तभी ट्रेन के पीछे हिस्से को उसके बाइक से बांधकर जोर से बाइक को चलाता है। ऐसा वह जेंट बाइक और विशाल मिलकर उस ट्रेन को सुरक्षित स्टेशन तक खींचकर लाते हैं। सारे लोग ट्रेन से बाहर आकर विशाल को नमस्कार करते हैं। ऐसा एक बौना आदमी जादुई पेड़ की सहायता से गिरते हुए ट्रेन को बचाते हैं। लंबा इलेक्ट्रिक मोटर बाइक। सुभाष नगर के गांव में एक ऑटो स्टैंड था। वहां पर रमेश और भीमेश करके दो दोस्त थे। रमेश के पास खटारा ऑटो था, जिसे वह चलाकर अपना गुजारा करता था। लेकिन भीमेश के पास एक नया ऑटो था। रमेश भीमेश के यहाँ कुछ पैसे उधार लिया और हर महीना उसका ब्याज भरता था। एक दिन जब रमेश ऑटो चला रहा था, बीच रास्ते में रुक गया। तभी एक कबाड़ी वाले ने आया और ऐसा बोला, अरे रमेश भाई, कितने साल तुम इसे चलाओगे? इस दुनिया में कोई भी अब इस ऑटो को रिपेयर नहीं कर सकता, इसे तुम मुझे बेच डालो। अरे, तुम मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हो, निकलो यहाँ से। कुछ दिन के बाद रमेश की बेटी रूपा गांव आती है। रूपा शहर में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। रमेश को उदास देखकर रूपा ने ऐसा पूछा, अरे बापू, क्या हुआ, क्या मामला है, तुम इतना उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं बेटी, मेरे ऑटो अभी बहुत खराब हो चुकी है,
कोई भी रिपेयर नहीं कर पा रहा है। अब मैं इसे नहीं चला पाऊंगा। बापू, बस इतनी सी बात, मैं कल ही तुमको एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक बना के देती हूँ। आखिर मेरी पढ़ाई किस काम की है? तुम एक काम करो, इस ऑटो को बेचकर पैसे लाओ, मैं कुछ न कुछ करूंगी। जब रमेश ऑटो को कबाड़ी वाले को बेचकर पैसे लाया, उन पैसों से रूपा ने कुछ बैटरी, आयरन रॉड्स और सामान खरीदा। उसने एक ही दिन में एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक तैयार करके देती है। बापू, ये देखो लंबा इलेक्ट्रिक बाइक, अब तुम्हें पेट्रोल की जरूरत भी नहीं है। बस एक बार चार्ज कर लो तो 100 किलोमीटर तक चलती है। इस पे एक के पीछे एक 10 आदमियां तक बैठ सकते हैं। और हाँ, मैं एक खास बात बोलना भूल गई। ऐसा रूपा ने रमेश को एक खास बात बताई और रमेश ने उसे लेकर अपना ऑटो स्टैंड लेके जाता है। वहाँ पर भीमेश और सभी लोग लंबा इलेक्ट्रिक बाइक को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। भीमेश को लालच हो जाती है और उस बाइक को किसी भी तरह अपनाने की सोचता है। ओए रमेश, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, अभी के अभी। अरे ये कैसा होगा भीमेश, मैं तुम्हें हर महीना ब्याज तो दे रहा हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे दे दो, नहीं तो उसके बदले में ये बाइक मुझे दे दो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है ले लो भाई, लेकिन तुम्हें एक खास बात याद रखनी है। अरे चल हट, कोई बात नहीं, मैं तो एक्सपर्ट हूँ ड्राइविंग में। ऐसा बोलकर भीमेश ने बाइक पर 10 आदमियों को चढ़ाकर सवारी के लिए निकल गया। एक जगह मोड़ आया, लेकिन जब भीमेश बाइक को मुड़ने का कोशिश किया, वह नहीं हुआ और सीधा जाकर रोड के बाजू में एक दरवाजे को टकरा कर सभी लोग गिर जाते हैं। सबको चोट भी लगती है। तभी सभी लोग भीमेश की खूब पिटाई करते हैं और ये सब देखकर रमेश खुशी से हंसने लगा, क्योंकि अब वह भीमेश को उधार के पैसे जो नहीं देनी थी। गरीब गुब्बारे वाला, ये कुछ साल पहले की बात थी। सारंगपुर नाम के एक गांव में विमल नाम का एक लड़का था जो गुब्बारे बेचता था। उसका एक छोटी बहन भी थी राधा। विमल और राधा के पिता कुछ साल पहले ही गुजर जाते हैं और उनकी माँ रमा 3-4 घरों में झाड़ू पोछे के काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन विमल गुब्बारे लेके बाहर जाने ही वाला था, तभी उसकी माँ की फटी हुई कपड़ों को देखकर, मेरी माँ के लिए एक भी ढंग का साड़ी नहीं है, बेचारी को मैं आज ढेर सारे गुब्बारे बेचकर एक अच्छी साड़ी खरीद के लेके आऊंगा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसा सोचकर विमल गुब्बारे लेके बाजार में चला जाता है। सुबह से शाम तक इधर उधर घूमा, लेकिन कोई भी गुब्बारे नहीं खरीदे। जब वापस घर आया, उसकी छोटी बहन ने ऐसा पूछा, भैया तुम आज मेरे लिए क्या लाए हो? तुमने बोला कि भेलपूरी खिलाओगे, तुम भूल गए क्या? उसकी बातें सुनकर विमल बहुत दुखी हो जाता है। दूसरे दिन जब विमल गुब्बारे लेके बाहर गया, तभी एक लड़के ने उसके पापा से गुब्बारे खरीदने के लिए पूछता है, पापा पापा गुब्बारे बहुत सुंदर है, मेरे लिए एक खरीदो ना। ओए गुब्बारे वाले, कितना है एक? सर मैं एक गुब्बारा 3 रुपए में बेचता हूँ, लेकिन आपके प्यारे बेटे के लिए 2 रुपए में दे दूंगा। 2 रुपए? 1 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो निकल यहाँ से। 1 रुपए में मुझे कुछ नहीं बचेगा सर। देना है तो दे, नहीं तो चले जाओ। ऐसा बोलकर वो भी चला गया। घर आकर देखा तो उसकी माँ को नीचे गिरा हुआ देखा और राधा बगल में बैठकर रो रही थी। तुरंत विमल कुछ पानी लाकर रमा के मुंह पर छिड़कता है। तभी रमा को होश आ जाती है और रमा ने ऐसी बोली, बेटा ये कुछ नहीं है, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, जो कुछ भी बचा था मैं तुमको और बहन को दे दिया, इसीलिए थोड़ा चक्कर आकर गिर गई, और कुछ नहीं है। माँ मैं अभी जाकर कुछ दवाइयां लाता हूँ, राधा
तुम माँ का ख्याल रखना। बेटा, लेकिन आज भी तुम कुछ गुब्बारे नहीं बेचे ना, दवाई के लिए पैसा किधर से लाओगे? तुम उसकी चिंता मत करो माँ। विमल बाजार जाकर एक मेडिकल शॉप के बाहर खड़े होकर देखता है, तभी एक आदमी आकर चक्कर आने का और बुखार का दवाई पूछता है। जब दुकान मालिक दवाई आकर टेबल पे रखा, तुरंत विमल ने जाकर उस दवाई को छीन कर घर के तरफ भागने लगता है। सभी लोग उसका पीछा कर लेते हैं। जब विमल घर आया, रमा पूछती है, दवाई कैसे आया? तभी विमल ने बोला, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ करो, मैं इन्हें चोरी करके लाया हूँ। तभी मेडिकल शॉप वाला भी पीछा करते हुए घर आ गया और सब कुछ देख लेता है। तभी रमा ने, भाई साहब इसे मत मारो, दवाई मेरे लिए ही चोरी किया है इसने। ये सब देखकर दुकान का मालिक चला जाता है। बेटा एक बात ध्यान से सुनना, हमको किसी भी हालत में चोरी नहीं करना है।